expecting first blockbuster, which is not a hardcore commercial film. हम लोग मैं नवाज सारा टीम जो है वो भारत भ्रमण पे निकला था इस फिल्म के साथ ये सोच के कि चलो डायरेक्टली ऑडियंस के साथ कनेक्ट करेंगे हम लोग शहर शहर जाकर वहाँ के स्कूल्स कॉलेजेस में स्टूडेंट्स से मिले और बहुत ही अमेजिंग रिस्पांस मिल रहा है जहाँ जहाँ भी गए नवाज की पॉपुलैरिटी जो है वो तो देखने को थी वहाँ पे ग्रास रूट्स तक उसकी पॉपुलैरिटी चाहिए और फिल्म को भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला इट्स अ वंडरफुल फील बहुत ही प्यारा रिस्पांस मिला हम वहाँ उनके गांव गए उनके परिवार वालों से मिले गांव वालों से मिले और उनका भी बहुत प्यार भरा रिस्पांस है वो भी पहले दिन फिल्म देखेंगे जाके इन द बिजनेस सो आई होप दे आर डूइंग एवरीथिंग दैट कैन बी डन और कहीं जो लीक हुआ था वो एक पुराना एडिट था इस फिल्म का हम और फिर भी इसने सोशल मीडिया पे काफ़ी बस क्रिएट किया तो हमें उम्मीद है कि इससे तो वर्ड ऑफ माउथ हो के ये फिल्म और चलेगी और मुझे लगता है कि एक बड़े से पहाड़ की कहानी एक छोटे से लैपटॉप पे देखने में आपको कुछ भी इमोशन नहीं आएगा इन्फॉर्मेशन मिलेगा हाँ जी ऑल स्टेप्स शुड बी टेकन और टॉरेंट शुड बी बैंड यप थैंक यू डायलॉग बड़े पसंद आ रहे हैं फिल्म के और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक कॉन्फिडेंस बना है क्योंकि प्रोमो वगैरह भी काफ़ी बड़ा हिट हुआ उसका तो पास अब रिलीज़ पे है देखते हैं क्या होता है फिल्म ऑफकोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है और फिल्म से ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि एक ऐसे आदमी की कहानी एक ऐसे आम आदमी की कहानी जिसको हम मतलब चाहते हैं कि वो उनके बारे में सब जाने वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आई थिंक इस फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रोल था सबसे और इसलिए हुआ क्योंकि एक आदमी जो 22 साल से सिर्फ एक ही चीज़ सोचता है और अपने प्यार के लिए और उसको पहाड़ तोड़ देता है तो अब तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे माइंड में सिमिलरिटी एक है कि वो भी उनको भी पागलपन था और हमारे मेरे साथ भी जुड़ा हुआ ये पागलपन अपनी एक्टिंग को लेकर वहाँ से रिलेट किया चीज़ें अब उनको बोलूँगा मैं तो ऑफकोर्स अगर बहुत अच्छा रहेगा अगर आएंगे तो हाँ हाँ ऑफकोर्स हम लोग गए थे अभी गहलोत गए थे उनके गांव में गए थे और जो बायकॉम है वो काफ़ी फाइनेंशियल भी काफ़ी हेल्प कर रहे थे वो तो बहुत खुश हैं और वो उनको ये सबसे अच्छी बात की लग रही है कि उनके जो फादर के जो बेटे हैं वो बता रहे थे कि उनके फादर का इतना बड़ा एक हर आदमी जान रहा है उनके बारे में तो बहुत अच्छी बात है इंग्लिश हिंदी I'm looking forward to seeing Manjhi very much. It's a very interesting idea. It's a true story. It's a very powerful story. And I've known Ketan Mehta for a long time. And Nawaz is a dear friend. He was also in my first film, Firar. So when they invited, I'm here in support and as a good audience. Thank I think the buzz is excellent, the buzz is what we had expected for.
despite the various challenges that you're obviously aware, I think we are very proud to be where we are. I think the spirit of the film is about moving mountains, and I think with a film like this, we will hopefully move mountains. What all measures have you guys taken after the leak happened? What all measures have you taken, and what do you want government to do so that in future, in a situation like this, doesn't happen again? So, number of measures we've taken. We've got a John Doe order against all the ISPs. We've actually also put a complaint in the cyber branch of the Mumbai police cell. So this is actually not just a civil offense, it's also a criminal offense. Besides us, of course, we are trying to go after the various infringing sites which are there. But I think beyond all this, somewhere this movie and what this movie is all about will make people feel that they should perhaps, in the right frame of mind, do the right thing and watch it where it's what best, which is in the theaters.